दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस तरीके से हम क्या क्या अपने मोबाइल से लैपटॉप में भेज सकते हैं बिना किसी यूएसबी केबल के। तो देखिए, यहाँ पर फोटो हम भेज सकते हैं, इसके अलावा हम एप्स मोबाइल से लैपटॉप में ट्रांसफर कर सकते हैं और फाइल ट्रांसफर भी कर सकते हैं अपने मोबाइल से किसी भी पीसी में। इसके अलावा वीडियोस भी हम अपने मोबाइल से किसी भी पीसी में ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे वो विंडो 10 हो या फिर विंडो 11 हो। ओके, मोबाइल से लैपटॉप में या पीसी में ऐप सेंड करने के लिए सिंपली सेंड मोर बटन पर क्लिक कीजिए और कोई भी एप्लीकेशन या फाइल अपने मोबाइल से इस लैपटॉप में या फिर पीसी में सेंड कर लीजिए। तो मान लीजिए मुझे ये फोटो ऐप को सेंड करना, सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेंड बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिजल्ट देख लेंगे कि यहाँ पर आ चुका है। एकदम आसान सा तरीका है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम के प्रजापति और आपका राम जी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है, इसके लिए आपको इंटरनेट ना हो तो भी चलेगा, ऑफलाइन मेथड है और भी बिना किसी यूएसबी केबल के। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है और इसे हम हॉटस्पॉट से कनेक्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे क्या है कि यहाँ पर देखिए कॉर्नर में क्लिक करते हैं, लैपटॉप के कॉर्नर में, और यहाँ पर हमारा जो वाईफाई होता है, हॉटस्पॉट जो होता है, इसे हम वाईफाई कनेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा वाईफाई है, ये वाला हमारा वाईफाई है और ये इंटरनेट से कनेक्ट है, लेकिन हमें इसे इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करना है, हमें इसे किसी और चीज़ से कनेक्ट, इसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ओके, हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। अब हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन सर्च करेंगे जिसका नाम है इनसेयर। ओके, इनसेयर एप्स एंड फाइल ट्रांसफर। ओके, इस ऐप से हम इस्तेमाल करेंगे, तो इसको ओपन कर लेते हैं। मैंने डाउनलोड कर लिया है, आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसको ओपन करने के बाद इस तरीके से कुछ फॉर्मेट आएगा, आप अपने मोबाइल से मोबाइल फोटो या फाइल ऐप ट्रांसफर कर सकते हैं। और यदि आप इस मोबाइल से अपने पीसी में कनेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली कनेक्ट टू पीसी पर क्लिक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, सिंपली इस तरीके से आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली वेब शेयर पर क्लिक करेंगे तो भी इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर दो तरीके से आप जो है अपने मोबाइल से पीसी में फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला, एक तो वाईफाई मोड है, दोनों डिवाइस एक ही वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए, और दूसरा है हॉटस्पॉट मोड। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, सिंपली क्लिक कीजिए इस पर और ये जो हॉटस्पॉट का पासवर्ड है और जो है यूजर नेम है, इसको आपको अपने लैपटॉप में डालना होगा। तो हम इस वाले मेथड का इस्तेमाल करें। चलिए, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया, एंड्रॉयड सीआर देख सकते हैं, यही वाली चीज है। इस पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं कनेक्ट ऑटोमेटिकली पर क्लिक करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। इसके बाद से ये वाला जो पासवर्ड है हमें यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ, यहाँ पर पासवर्ड मैं इंटर कर देता हूँ। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर येस कर देंगे। ठीक है, जैसे हम किसी वाईफाई को कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, सेम तरीके से हम जो है इस तरीके को इसमें कनेक्ट करेंगे। अब देखिए यहां पर कनेक्ट हो रहा है, कुछ समय लगेगा। चलिए, यहां पर देख सकते हैं, यहां सामने स्क्रीन पर हमने इस मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया है और नो इंटरनेट, मतलब यहां पर इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ओके, अब हमें जो है ये दूसरा जो दिखा रहा है, ये जो कोड है, इसे हमें अपने ब्राउजर में डालना होगा। तो मैं अपने पीसी में एक ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, मान लीजिए गूगल क्रोम ही ओपन कर लेता हूँ। तो गूगल क्रोम मैं ओपन करूंगा, यहाँ पर ये ब्राउजर ओपन हो गया। अब ये वाला जो कोड है मुझे इसे यहाँ पर डाल देना है। देखिए, यहाँ पर हमें हमारे फोन से किसी भी इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल ही बिना इंटरनेट का ये इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पर ये कोड यहाँ पर डालना है। तो देखिए सेम कोड आ चुका है, तो मैंने इसको एंटर कर देना है ताकि ये कनेक्ट हो जाए। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर देखिए इनसेयर यहाँ पर आपके पीसी में आ चुका है, और यहाँ पर किसी भी फाइल आप अपने लैपटॉप से मोबाइल में भेज सकते हैं या फिर किसी एप्लीकेशन को भेज सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लिख रहा है कनेक्टेड सक्सेसफुली, हम इस पर क्लिक करेंगे सेंड पर। एंड दोस्तों, कोई भी ऐप सेंड करके देख सकते हैं, आप क्या सेंड करना चाहते हैं, मोबाइल ऐप या फिर वीडियो, वीडियो भी हम सेंड कर देते हैं। देखिए, मान लीजिए ये वीडियो सेंड करना, हमने इस पर चेक कर दिया एंड यहाँ पर सेंड बटन पे क्लिक कर दिया, यहाँ पर देखिए रिसीव हो रहा है फाइल। ठीक है, किसी इमेज को फोटो को भेजना है तो ये हमारा फोटो है, फोटो पे क्लिक किया और सेंड बटन पे क्लिक किया, देखिए हमारा फोटो भी आ गया यहाँ पे। सेम तरीके से सेंड मोर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी म्यूजिक वगैरह हो, कॉन्टेक्ट हो, सॉन्ग, चलिए मैं आपको भेज देता हूँ कि ये मेरा ऑडियो है, इसको मैं सेंड कर देता हूँ। सेंड किया है, देखिए यहाँ पर आ चुका है, वीडियो भेजा है, इमेज भेजा है और सॉन्ग भेजा है, मैंने अभी तक ऐप नहीं भेजा, तो अभी मैं ऐप भेज देता हूँ। यहाँ पर सेंड बटन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर ऐप
एंड्रॉयड ऐप आ चुका है और मैं यहाँ से गूगल न्यूज जो है उसको क्लिक करता हूँ और एक मैं यहाँ पर फोटो क्लिक करता हूँ। दो एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लिया है, दोनों एप्लीकेशन को मैं इस लैपटॉप में सेंड करता हूँ। सेंड बटन पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पर गूगल न्यूज भी आ गया है, फोटो डॉट एपीके भी आ गया है। यानी कि हम कुछ भी अपने मोबाइल से लैपटॉप में बिना किसी इंटरनेट के दोस्तों हम सेंड कर सकते हैं, बिना किसी यूएसबी केबल के सेंड कर सकते हैं, बिना किसी शेयर इट के सेंड कर सकते हैं। तो ये था तरीका जिससे दोस्तों हम अपने मोबाइल से लैपटॉप में या फिर मोबाइल से किसी भी पीसी में ऐप ट्रांसफर कर सकते हैं, फोटो ट्रांसफर कर सकते हैं और वीडियो ट्रांसफर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे वीडियो चाहते हैं तो रामजी टेक्निकल चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।